झज्जर जिला की धापाताई बनी प्रदेश के लिए आइडल मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने झज्जर जिला की धापाताई से किया सीधा संवाद। झज्जर जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। लैंगिक असमानता को दूर करने में धापाताई की अहम भूमिका। झज्जर से खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर जिला की धापाताई पूरे प्रदेश के लिए आइडल बन गई है। अब झज्जर जिला की धापाताई प्रदेश भर में धाराताई के रूप में अनुकरणीय बनते हुए लैंगिक असमानता को दूर करने में अपना उल्लेखनीय योगदान देंगी। मुख्यमंत्री सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झज्जर जिला की धापाताई बनी गांव गोची की सुदेश देवी सहित अन्य धापाताई से सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने झज्जर जिला प्रशासन की ओर से कम लिंगानुपात वाले गांवों में धापाताई के रूप में लोगों को जागरूक करने के कदम की सराहना करते हुए धापाताई को प्रदेश स्तर पर एक सार्थक मुहिम के रूप में शुरू करने के लिए प्रेरित किया। झज्जर जिला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय सभागार में हुआ। उपायुक्त जितेंद्र कुमार की जिला स्तरीय कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही। झज्जर में दीप प्रज्वलन के साथ उपायुक्त ने विधिवत रूप से समारोह का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झज्जर जिला की धापाताई से रूबरू होते हुए सोच बदलते हुए जमाना बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि धापाताई गांवों में लोगों की विचारधारा को बदलने का काम कर रही है और घटते लिंगानुपात में सुधार का सशक्त माध्यम बनने जा रही है। झज्जर से सीधा संवाद कार्यक्रम में धापाताई गोची निवासी सुदेश व गांव माजरी निवासी कर्मवती सहित अन्य धापाताई ने मुख्यमंत्री के समक्ष लैंगिक असमानता को दूर करते हुए लोगों की मनोवृत्ति को बदलने में उठाए गए हर कदम में सहयोगी बनने का विश्वास दिलाया। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और समारोह में उपस्थित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में भेदभाव करने वाले लोगों की सोच को बदलते हुए सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। इसी सोच को बदलने के लिए झज्जर जिला प्रशासन की ओर से धापाताई प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया गया है और जिला के कम लिंगानुपात वाले गांवों में निरंतर धापाताई जन जागरूकता मुहिम में अलग जगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन के पास संसाधनों की कमी नहीं है, किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रबल बनाते हुए हमें महिलाओं का सम्मान कर नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने सरकार की ओर से कुपोषण अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए टीमवर्क के साथ कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में माता, धर्मपत्नी, बेटी व बहन का योगदान होता है, जो कि संस्कारों का समावेश कराने में भी वे अहम भूमिका निभाती हैं। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने झज्जर जिला की प्रतिभावान महिला व बेटियों को सम्मानित करते हुए उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदार बनने पर बधाई दी। उपायुक्त ने वैश्य बीएड कॉलेज बहादुरगढ़ की प्राचार्या डॉ आशा शर्मा, गांव कासनी की तमन्ना, झज्जर शहर की बेटी वर्षा, गांव कबलाना की सोनी व निशु, गांव तलाव की पीना सहित बालिका दिवस पर आयोजित स्पर्धा में विजेता रही पायल पुत्री अजय, पायल पुत्री सूरजभान, तनु व अंजलि को भी प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में उपायुक्त की धर्मपत्नी रेणु दहिया, एएसपी विक्रांत भूषण, एडीसी जगन्निवास, डीटीओ एवं सचिव आरटीए डॉ सुभिता ढाका, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम शिवजीत भारती, सीएमजीजीए सुप्रिया सिन्हा, डीपीओ मीना खत्री, डीआईओ अमित बंसल, डीआईपीआरओ दिनेश कुमार, सीडीपीओ पूनम जैन, ऋषिमा बाला, सरोज व डीसीपीओ लतिका सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण व महिलाएं मौजूद रहीं।